आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टेड बातें करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक से ज़्यादा अपने जीमेल अकाउंट अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि अपने जीमेल अकाउंट हमारा इस एंड्रॉयड में हमारा जीमेल अकाउंट 2 है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। चलो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑलरेडी हमारा 2 जीमेल अकाउंट इस मोबाइल में ऑलरेडी है और हम इसको सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं इस अकाउंट को, फिर हम हमको ऐड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, मैं रिमूव यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, आप चाहे तो अपने सेटिंग अंदर से जाके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। तो सर हम उस जीमेल अकाउंट में क्लिक करेंगे जिसे हमें रिमूव करना है, तो बस और इसको हम रिमूव अकाउंट कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी ये बिल्कुल रिमूव हो गया, अभी हम बैंक जाके वहाँ पे जीमेल में फिर से देखते हैं कि क्या वहाँ पे वो है या नहीं। तो चलो हम देखते हैं कि वहाँ पे है या नहीं। तो अभी जीमेल में फिर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं, ये 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फिर देखेंगे। अभी यहाँ पे एक ही जीमेल अकाउंट है। तो बिल्कुल सही था। तो अभी मैं इस आप लोगों को करके दिखाता हूँ, कोई इसमें ज़्यादा सेटिंग में जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से ये हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि आप हमारे इसमें कोई एक ही जीमेल अकाउंट है एमकेआर सपोर्ट का और दूसरा कोई नहीं है। तो हम इसको अभी क्या करेंगे, ऐड में करेंगे, ऐड में यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ये गूगल का ही है तो हम जीमेल भी गूगल का ही होता है, तो हम इसको गूगल में जाके हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमको एक ऐसा एक अनलॉक हो गया, अभी ये थोड़ा सा चेक कर रहा है। फिर इसके बाद में हमको यहाँ पे वो उस जीमेल को जीमेल आईडी को डालना है जिसे हम ऐड करना चाहते हैं। तो चलो मैं अपना एक दूसरा वाला है उसको मैं डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे हम इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं अपना, इंटर कर देंगे। उसके बाद हमको एक ये वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे एक बार कि क्या ये सही है या नहीं। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो मोबाइल में जो दिया हुआ है वो नंबर या तो इसी मोबाइल में होना चाहिए, वो सेम इसमें होना चाहिए या सेम आपके दूसरे किसी भी मोबाइल में होना चाहिए, लेकिन आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसमें एक वन टाइम पासवर्ड आएगा वेरीफाई करने के लिए। अगर वन टाइम पासवर्ड अगर नहीं आएगा, उसे आप वेरीफाई नहीं कराते हो, तो फिर ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, आपको वन टाइम पासवर्ड से वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा। तो हमारा रजिस्टर नंबर किसी मोबाइल में है तो हम इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद हम पे ऑटोमेटिकली अगर इस मोबाइल में है तो ऑटो ये अपना ऐड कर लेता है और उसके बाद हम यहाँ पे एग्री कर देंगे। अगर ये दूसरा किसी मोबाइल में अगर ये नंबर होता तो उसमें मैसेज आता, तो आपको जाकर फिजिकली आपको वहाँ पर टाइप करके वहाँ पर ऐड करना होता। तो आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ क्योंकि उससे इमेज था उसी से, क्या पता ये वही है कि नहीं, वही है मतलब मेरा कहने का मतलब यही है। इसको हम फिर से वापस आते हैं, इस पर 3 डॉट पर देखते हैं आ गया है। तो देख सकते हैं 1 और 2 1 और 2। अभी इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, सपोज हमको इसको यूज़ करना है तो ऐसे ही चल रहा है, उसको यूज़ करना है तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक ये आपको उस पेज में लेके चले जाएगा। मतलब इसका जितना भी जो भी इसका मेल आया है, जो भी आपने सेंड किया है, जो भी इसका डिटेल्स है, ये इस पे आ जाएगा। सपोज अब हमको क्या है इसमें कुछ देखना है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्या है समस्या है, अपना जो भी होता है देखना है, जो अपना जो करते हैं पहला ऐसा हम देखेंगे। उसमें अगर हमको देखना है तो बस यहाँ पर क्लिक उसके ऊपर टच करेंगे, फिर ये आ जाएगा, इसका पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि हम इसमें आगे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम इसको देख रहे हैं। तो था ना बिल्कुल सिंपल। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आते हैं।